नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। और यूपी की राजधानी लखनऊ में तैनात महिला कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला कांस्टेबल ने अपने ही अधिकारियों द्वारा खुद के साथ शोषण करने का आरोप लगाया है। अपने ऊपर हुए शोषण के आरोपों को रो रो कर ये महिला कांस्टेबल बता रही है। कहा, जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं तो उन महिलाओं को कैसे भरोसा दिलाऊंगी और कैसे उनको न्याय मिलेगा जब मेरे अधिकारी मेरा खुद शोषण कर रहे हैं। बड़ी खबर है, लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं TV20 न्यूज पर। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि कप्तान साहब के पीआरओ कप्तान से मिलने नहीं देते हैं। गंभीर आरोप लगाए हैं महिला कांस्टेबल ने अपने ही अधिकारियों पर। पहले पीड़ित महिला कांस्टेबल से मिलवाते हैं और फिर उसके बाद महिला आरक्षी के प्रकरण में SP हाईकोर्ट की बातों से। बलात्कार हो रहा है, उन महिलाओं को क्या भरोसा दिलाऊंगी कि न्याय तुम्हें मिल जाएगा जब मैं खुद ही परेशान हूँ। मेरे अधिकारी खुद ही मेरे साथ शोषण कर रहे हैं। वह कहीं तक मेरी बात नहीं सुनी बजा रही है। कप्तान साहब ने मेरी पोस्टिंग कर दी है जानकीपुरम, जो कि मैंने स्वेच्छा से कराया है, लेकिन हमें कप्तान साहब से मिलने नहीं दिया गया। और आरआई साहब, पीआरओ साहब भी आरआई साहब के ही बच्चे में बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उन्हीं के बच्चे में कह रहे हैं। मुझे इस विभाग से, इस न्याय से भरोसा उठ गया है। मैं महिलाओं को क्या भरोसा दिला पाऊंगी कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। मुझे क्यों महिला भर्ती किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही किया गया ना, तो मुझे मेरी सुरक्षा नहीं हो पा रही है इसमें। और निरीक्षक लखनऊ के विरुद्ध महिला कर्मी द्वारा कतिपय आरोपों की जांच मेरे द्वारा की जा रही है, जिसमें उक्त महिला से संपर्क किया गया है जो अवकाश पर है और जनपद से बाहर है। शीघ्र ही उससे संपर्क करके कार्रवाई संपादित की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ TV20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।